नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से जो आपकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है रात्रि 9 बजे से एसएसटी की, और सुबह स्टार्ट हुई है वो हिंदी और पेडागोगी की, स्टार्ट हुई है हिंदी पेडागोगी की और दूसरी साइंस की, तो वो तो 9:30 बजे सुबह है। और एसएसटी की जो 7 दिन होंगी आपकी रात्रि 9 बजे क्वेश्चन सीरीज, जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड होंगी, और उनके बारे में आपने पढ़ लिया है तो अब अपनी जो तैयारी है उसको जानने का एक आधार है ये टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन सीरीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें अपने पूर्ण मन से भागीदारी निभाएंगे, और जिन जिन व्यक्तियों के जितने जितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएगा ज़रूर। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन कितने सही होते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, कि आपने आज वो टॉपिक के लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे, लेकिन अगर कल तो उसके लिए आपकी पढ़ की प्रिपेयर हो सकते हैं ना, तो ये मायने नहीं रखता कि हताश होने की ज़रूरत नहीं, हमारे 10 सही हुए। और दूसरी बात, जो इन क्वेश्चनों का लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये 15 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो आप बहुत बढ़िया पोजिशन में हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो किनके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किनके द्वारा? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और गुप्त द्वारा। तो इसके बारे में जो आपको सही आंसर हो वो सजेशन करना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों है? कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो बहुत अधिक क्षेत्रफल में क्या था? विस्तारित था। जो बताते हैं ब्रिटिश साम्राज्य से भी ज़्यादा बड़ा था, और इसकी जो सीमाएं थी वो इटली ईरान तक की सीमाओं तक फैला हुआ था। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो गुप्त है, मौर्य, वर्धन और कुषाण, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौर्य। क्या होगा? मौर्य। मौर्य क्यों होगा? कि जो मौर्य की स्थापना वो 323 से 180 ईसा पूर्व के मध्य, जबकि गुप्त की है वो 550 से 319 ईसा पूर्व तक। तो जो सबसे पुराना राजवंश है वो 323 से 180 मौर्य राजवंश है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष, चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? विशाखदत्त। क्या होगा? विशाखदत्त। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो जो सही आंसर होगा आपका इन चारों में से छंटनी करना है, विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो सही आंसर होगा ए, विलियम जोन्स। और जो आपका प्लूटार्क था उसने किससे की थी? एंड्रोकोट से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? एंड्रोकोट से। किसने? प्लूटार्क ने। और विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सही आंसर देना है। इसका जो सही आंसर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन? कौटिल्य। नेक्स्ट है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। सही आंसर क्या होगा इसका? सी। क्या? विष्णुगुप्त। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ या राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। सही आंसर इसका क्या होगा? राजनीतिक नीतियाँ। क्योंकि जब राज्य विस्तार हुआ था तो
जो कौटिल्य अर्थात अर्थशास्त्र में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो गया था। तो राजनीतिक नीतियाँ पे पहलुओं पे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का था उसमें प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा 8 के? बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो 9 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो 10 में सही आंसर क्या होगा, सजेशन करना है आपको, सी होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। क्या होगा सही आंसर? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो ये तीनों शामिल थे, अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, श्रीलंका शामिल नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। तो आपको सही आंसर है वो सजेशन करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, देवनाम प्रिय की उपाधि, देवनाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट है, रज्जुक थे, रज्जुक जो थे वो अधिकारी थे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, तो जो अधिकारियों को नाम दिया गया था वो रज्जुक दिया गया था। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से अधिकारी थे जो रज्जुक संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बता दिया है, मौर्य शासन में क्या थे? अधिकारी थे। 13 के में क्या होगा? बी, सारनाथ स्तंभ का। अब जो आपको ये रज्जुक बता दिया है तो आपको ये बताना है, रज्जु मौर्य जो रज्जुक थे वो मौर्य शासन में अधिकारी थे, तो इन रज्जुकों का कार्य क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। किसने किया था? इसका जो सही आंसर होगा वो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। सही आंसर बी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, भैरहुत, सांची, सारनाथ। आपको सही आंसर है वो सजेशन करना है, कौन सा होगा? सांची। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, हिंदी है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो, अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है? तो प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुई है। निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेरठ। तो इन चारों में से आपको सही आंसर सजेशन करना है, कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का वो होगा शाहबाजगढ़ी। क्या होगा? शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 19 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बुहलर ने, रॉबर्ट शेबल ने, जेम्स प्रिंसेप ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सजेशन करना आपको क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सी जेम्स प्रिंसेप ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है क्या था? तो अशोक का शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है क्या नाम है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। तो आपको सही आंसर सजेशन करना कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, प्रियदर्शी नाम का उल्लेख हुआ है। तो आज के जो 20 क्वेश्चन थे वो मौर्य काल से रिलेटेड थे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज होगी वो भी मौर्य काल से रिलेटेड होगी। तो अगर आज आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उम्मीद करता हूँ कल आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, और कल के टेस्ट में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।